तो गायज मैं हूँ तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क शुरू करते हैं गायस तो अपनी बात को हम लोग सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू की तरफ से भाई आई है निकल के सामने एंड यह एक अनाउंसमेंट डब्ल्यू डब्ल्यू की क्या है यह अनाउंसमेंट मैं आपको सीधा दिखाता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड हो सकता है डब्ल्यू डब्ल्यू ने भाई एक ट्वीट किया लिखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू हेज लॉन्च डब्ल्यू डब्ल्यू आई डी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड अप एंड कमिंग इंडिपेंडेंट रेस्लर्स अ पाथवे टू अ पोटेंशियल करियर इन डब्ल्यू डब्ल्यू इसको कोड करके ट्रिपल एच कहते हैं लेवल ऑफ टैलेंट ऑन द

पाथवे टू अ पोटेंशियल करियर इन डब्ल्यू ये जो प्रोग्राम है डब्ल्यू डब्ल्यू वाला प्रोग्राम भाई ये इंडी रेसलिंग टैलेंट्स के लिए उनको एक रास्ता ये लोग दिखा रहे हैं कि आप इस रास्ते से डब्ल्यू के अंदर आ सकते हो एक करियर बना सकते हो यानी कि फ्यूचर सुपरस्टार्स बनाने की कोशिश है इंडी रेसलिंग से सुपर टैलेंट्स उठा के ठीक है Under the program, WWE will provide prominent independent wrestling schools with the WWE official designation with the goal of providing new trainees and existing talent at these select institutions with enhanced developmental opportunities. WWE will also identify top independent wrestling prospects with an official WWE prospect designation and support their developmental journey by providing financial opportunity and assisting with training, mentorship, and development, including access to facilities, ring uh, training, athletic. ट्रेनर्स एंड मोर तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाले एक तरीके से के पे काम करेंगे, उन टेलेंट्स के लिए कर सपोर्ट करेगी उनके जर्नी के अंदर तो कुछ पर्टिकुलर रिंग से अब ये रसलिंग स्कूल कौन से है? मैं आपको बता दू ये रेस्लिंग स्कूल है भाई कुछ चुनिंदे अभी स्टार्टिंग में बाद में डब्ल्यू डब्ल्यू और एड करने वाली है एक इसमें भाई बुकर रियालिटी ऑफ रसलिंग स्कूल नाम आपने सुना होगा मैं आपको कई बार बता चुका हूं कोडी रोड्स का

डब्ल्यू डब्ल्यू आई डी का ऑफिशियल डेजिनेशन देंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वो डब्ल्यू डब्ल्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं डब्ल्यू तो डब्ल्यू भाई चुनिंदा रेस्लिंग स्कूल्स में से चुनिंदा टैलेंट्स उठाने वाली है उनकी जर्नी को सपोर्ट करने वाली है एंड उसके बाद उनको फ्यूचर डब्ल्यू डब्ल्यू मेगा बनाने में हेल्प करेगी तो ये हमारे लिए तो नहीं लेकिन भाई इन फ्यूचर आने वाले सुपर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेकर तो भाई रॉक को लेकर मल्टीपल अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ कई सारी अपडेट निकल के सामने आई है बैड ब्लड की अपडेट आई थी वहाँ बताया गया था कि भाई रॉक इनिशियली प्लान नहीं थे लेकिन धीरे धीरे हाइप बढ़ने लगी रॉक अवेलेबल भी थे तो बोला गया ठीक है आप आ जाओ इसलिए रोमन वगैरह का मैच जो था वो ऑफिशियली इवेंट सेट भी हो गया वो एक अपडेट बताई गई साथ में भाई यहां पे कुछ और अपडेट्स है वो मैं आपको बता देता हूं फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है कहा जा रहा है सोर्सेज विद इन डब्ल्यू क्लेम दैट द कंपनी इज प्रायोरिटी फॉर द रॉक एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड इन द फोल्ड हेयर एंड देयर इन स्पोरेडिक फैसन सम हाईअर अपसाइड द रॉक हेज़ मेड क्लियर हेज़ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड विल अपेयर विन हीज एबल कहा जा रहा है फाइटफुल का कहना है कि डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जो इनके सोर्सेज है वैसा क्लेम कर रहे हैं कि रॉक जो है भाई डब्ल्यू डब्ल्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी मान के चढ़ रहे हैं कंपनी एक्चुअली में प्रायरिटी है एंड एक्सपेक्टेड है भाई कि रॉक आने वाले टाइम के अंदर आ, आपको भटकते हुए दिखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर यानी कि कभी इधर आ गए कभी उधर आ गए ऐसे कुछ कुछ टाइम पे बीच बीच में आते हुए दिखेंगे बिकॉज डब्ल्यू डब्ल्यू के हायर अप्स ने ऐसा क्लेम करा है बताया है कि भाई रॉक जो है साफ़ कहते हैं कि वो डब्ल्यू डब्ल्यू को अपना परिवार मानते हैं एंड वो है इस फैमिली का पार्ट तो वो कहते हैं कि भाई मैं जब भी एबल हूँ जब भी मैं आ सकूँगा मैं आऊँगा डेफिनेटली तो रॉक भाई ऐसा नहीं है कि अगर फ्यूड खत्म हो जाए रोमन के साथ तो उसके बाद परमानेंटली चले जाएंगे कभी भी आ सकते हैं बिकॉज अब वो मेबर हो चुके हैं इस चीज़ के टीके वो बोर्ड के मेबर हैं तो डेफिनेटली भाई रॉक डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर आना चाहेंगे इसको लेके एक और अपडेट है नेक्स्ट कब आ सकते हैं रॉक इसको लेकर अपडेट है फाइटफुल की कहीं जा रहा है सोर्सेज एट द इंटोविट डोम वेर होपफुल द रॉक वुड बी प्रेजेंट एट द फर्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू रॉक ऑन नेटफ्लिक्स एंड दिस बज इंटरनली फॉर इट इवन दो इट्स नॉट कन्फर्म कहा जा रहा है कि अभी देखो कंफर्म तो नहीं है लेकिन इंटरनली ऐसे बज है भाई इंटोविट डोम में जो सोर्स है इनके उनका भी ऐसा क्लेम करना है कि इंटोविट डोम में भी लोग भाई ऐसे मतलब बैक स्टेज होपफुल हैं कि रॉक साधा अपियर होंगे मंडे नाइट रॉक के डेब्यू पे जो कि नेटफ्लिक्स पर होने वाला है यानी कि अगले साल बिल्कुल बिगिनिंग में जो पहला एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉक छ जनवरी को इंडिया में साथ को आएगा उस दिन आपको रॉक देखने को मिलेंगे इस साल

तो ये कि भाई यूएस नेटवर्क पे आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते लेकिन ये फिर से भाई दिन पर दिन डाउन जाते जा रही है लाइक 1.3 तक पहुंच गए थे ना पिछले हफ्ते तो क्या पता भाई 1 मिलियन के भी नीचे आ जाए कभी हु नोज एंड स्मैकडाउन तो नेटफ्लिक्स पर जा नहीं रही है ये तो यू एस ही रहेगी तो इसके हालात तो विरसअप के मामले में नहीं सुधरने वाले मंडे नाइट रॉ का तो समझ आता है भाई कि रॉ तो चलो नेटफ्लिक्स पर जाएगा समझ जाएगा लेकिन स्मैकडाउन का क्या होगा ये काफी बड़ा क्वेश्चन है फिलहाल ये कुछ है भाई स्मैकडॉन की व्यरसएप को लेकर अपडेट आपके अकॉर्डिंग भाई क्या चीज मिसिंग है कॉमेंट करके बताना बाकी व्यरसएप तो कितनी भी बढ़ेगी भाई तो वन से ऊपर ऑन एक एवरेज एपिसोड पर तो नहीं जाने वाली अगर कुछ बहुत स्पेशल है बहुत स्पेशल है तब साइड मिलियन टच कर सकते है। हैं हैं आगे बढ़ते बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टाइम फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि सेट फ्रीगन रॉलिंग एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके इनके लिए डब्ल्यू डब्ल्यू के क्या प्लान्स है मैं आपको बता देता हूँ रेस्लिंग ऑब्जर्वर रेडियो की अपडेट है कहा जा रहा है डेव मेल्जर हैज कॉमेंटेड ऑन द पोटेंशियल सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंग डब्ल्यू डब्ल्यू फ्यूड रेव that the company had no plans to turn either punk or Rollins heel during the build to their planned match at wrestlemania 40 last year can Inca? they don't have to do a baby face versus heel द कैन जस्ट बी अगेंस्ट ईच अदर पीपल विल बाई इट इट्स इजी फॉर पीपल टू बाय दैट पीपल डोंट लाइक पंक एंड पं कैन टॉक एंड गेट इट ओवर विथ वन देवर डूइंग इट द फर्स्ट टाइम रॉनिस वॉज नॉट टर्निंग हील फॉर दट मैच विद पंक एट रसल मीना एंड पंक वॉज नॉट गोइंग टू टर्न हील इदर इट वॉज गोइंग टू बी अ बेबी फेस वर्स बेबी फेस मैच रेस्लिंग ऑब्जर्वर रेडियो में डेव मेजर ने कॉमेंट करा सी एम पंक एंड सैथ रॉनस के फ्यूट के बारे में कहते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू वाले भाई किसी को भील भी नहीं बनाने वाले डब्ल्यू डब्ल्यू वाले दोनों को फ्री छोड़ देंगे दोनों बेबी फेस के तौर पर कंपीट करेंगे रसल मीना फोर्टी में जब ये वाला मैच इनका होने

को हील बनाने की नीड भी नहीं है Seth को बेबी फेस रख सकते हैं एंड पंक को भी बेबी फेस रख सकते हैं फिलहाल यही प्लान दिख रहे हैं रसल मीना 41 के लिए अकॉर्डिंग टू डेव ऑफ के आपके अकॉर्डिंग किसी को हील बनाना चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसा मेडसर कह रहे हैं कॉमेंट करके बताना फिलहाल कैसे इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी आई होप स इंफॉर्मेशन मिली हो मिले तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को तक आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे मैं आपसे लिए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग